दोनों डिफरेंट है, एक्टर्स और सिंगर्स आप जो कह रहे हैं वो डिफरेंट है. बाकी ये कि काफ़ी सिंगर्स एक्टर बन रहे हैं वो कोइंसिडेंस है. बाकी ये कि पंजाबी होते चार्मिंग है तो इसलिए दे कैन डू बोथ. हर किसी का सपना होता है, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो यही है कि एक्टर बने, बहुत बड़े एक्टर बने, पूरी दुनिया जाने. अपना आइडियल किसको मानते हैं सर? अपना आइडियल एज मतलब एक्टर्स में आजकल के पहले जिसको देखकर बड़े लगे वैसा बनना चाहिए, कुछ उठते बैठते सब एक ही चीजें रहती है. आइडल नहीं, बट आई फॉलो लाइक जो रणवीर सिंह है मुझे वो अच्छे लगते हैं, तो आई फील लाइक कि अभी ऐसा हो और ऐसा काम करूं, ऐसी फिल्म्स करूं. रणवीर की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? रणवीर की तरह एक्टिंग बहुत अच्छी है. बहुत वो एक नॉन फिल्मी फैमिली से हैं, शायद उनका लिंक है थोड़ा बहुत, बट एक ही इज़ उनके फादर या कोई दादाजी ही वॉज नॉट एक्टर, सो बट ही इज अक्लेम्ड अ वेरी गुड. पैसे देकर भी टैलेंट से आगे गया है, मान सकते हैं टैलेंट उसको आगे देकर गया. या वो तो है, इट इज़ टैलेंट, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स कर रहे हैं. उनकी चौथी फिल्म 100 करोड़ पार कर रही है, अभी इतनी बड़ी बड़ी पद्मावती फिल्म, उसके बाद रामलीला, तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं. बाकी आई लुक आफ्टर हिम. टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी में? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. काफ़ी अच्छे लोग थे, डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर हमारे फैज सर, शिवम सर, मेरी को आर्टिस्ट रितिका, बहुत अच्छा. बहुत बढ़िया, बहुत, शी इज़ वेरी सपोर्टिव. वो पहले एक्सपीरियंस थे, उन्होंने एक दो फिल्म्स की हुई थी, मेरी पहली फिल्म थी एज अ लीड, तो आपको थोड़ा प्रेशर होता है, तो शी हैज़ सपोर्टेड मी इन ऑल दैट. वेलकम. थोड़ा ये मैं डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, बट शॉर्टकट में कहता हूँ तो यहाँ हमारे जो ईपी हैं बुनियाद खान साहब, तो वो फैज़ अनवर जी से थोड़ा जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ. किस तरह किरदार है? मैं इसमें हीरो के फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ. किस तरह की मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली हर वर्ग को देखने वाली ये मूवी है. तो इसमें एस्पिरेशन है एक फादर की, और जो एक सपने देखता है तो वो सपने उसके पूरे नहीं, वो फिर अपने बच्चे में देखता है, तो बाद में फिर अपने बेटे को साकार करता है उसके अपने सपने अपने. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा इसमें, और मुझे सीखने को कुछ बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैं आई एम वेरी मच न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्री, तो बस यही है. हाँ, मेरा नाम शिवम यादव. नहीं, मैं डायरेक्टर. देखिए, एक सामाजिक फिल्म है, बड़ी फैमिली की फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है. आपको देखने से अच्छा लगेगा कि कोई भी इसको फिल्म को देख सकता है, आपको फैमिली के साथ आप इस फिल्म को दिखा सकते हैं. तो बात करें इस मूवी में आपने सब नए नए लड़के लड़की को लिया है, नहीं वो ज़रूरी था. असल में हमारी ये स्टोरी ऐसी थी कि हम किसी स्टार को लेते तो उस पर वो फिट नहीं था, तो नए लोगों को इसलिए हमारी ज़रूरत था. कहीं ना कहीं हमको क्या स्टार्स के साथ स्टार्स भी हमको मिल रहे थे, ले सकते थे, फैज भाई काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं तो हम स्टार्स को भी ले सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्टोरी कहानी का एंगल उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. हाँ, ऐसा है, कहीं ना कहीं ये हर इंसान की कहानी है. कहीं ना कहीं लगता है कि हर देखिए इंडिया में हमारे देश में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं. कोई ना कोई किसी का बेटा सिंगर बनना चाहता है, किसी का बेटा एक्टर बनना चाहता है, किसी का बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, तो सबका अलग अलग एंगल है. हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है. तो ये ऐसी कहानी है कि जिस जो अपने बच्चों को अपना एम सेट कर सकते हैं, आप एम सेट कर सकते हैं. आपका कोई एम नहीं है किसी बच्चे का, आपका कोई क्या, यही बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनको करना क्या लाइफ में. स्टोरी किसी से मैच नहीं करती, स्टोरी किसी से मैच नहीं करती. हमारी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, और आपको पूरी फिल्म ऐसे ही बैठ के निकल जाएगी. आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ही नहीं, स्मूथली जाएगी. स्ट्रगल देखिए, स्ट्रगल नहीं कहूँगा मैं, मुझे नहीं
नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई फिल्म नहीं। देखिए ऐसा है, बॉलीवुड बेस जरूर है लेकिन हर एक चीज़ का एंगल अलग हो सकता है। स्ट्रगल की कहानी नहीं, मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ कि एक इंसान एक लाइन में स्टोरी है कि एक इंसान सक्सेस होना चाहता है और वो हो जाता है फाइनली, ये स्टोरी। तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे हम इसको पॉजिटिव। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, फैज अनवर साहब के जो बेटे हैं फरजान फैज, उनका म्यूज़िक है और फैज भाई ने लिरिक्स भी लिखे हैं, तो म्यूज़िक तो कोई बात ही नहीं है उसमें तो सारा। और हमने स्टोरी के हिसाब से लिरिक्स लिखे हैं फैज भाई ने, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं। म्यूज़िकल एक जर्नी भी है उसमें, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम इससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं स्टोरी के साथ, म्यूज़िक और सारी चीज़ें। फैज़ इस फिल्म में अजय म्यूजिक डायरेक्टर, किस तरह का म्यूजिक है? वेल ये इस मूवी में दो ट्रैक तो रोमांटिक है और इसके अलावा एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मूवी को होल्ड करता है, जो प्रेम मतलब बैकग्राउंड एक तरह से स्टोरी का पार्ट है वो एक गाना और एक आइटम सॉन्ग है। किसने गाए थे गाना? ये जो एक रोमांटिक ट्रैक है वो तो अपना अल्तमश फरीदी और मंजरा गंगुली ने गाया है, और दूसरा रोमांटिक ट्रैक है वो मोहम्मद इरफान और रूपरेखा बैनर्जी ने गाया है, और जो तीसरा जो आइटम सॉन्ग है वो मंजरा गांगुली ने गाया, और चौथा सॉन्ग है जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो गाया है अपना कमल खान ने। जी मेरा नाम रेहान खान है। रेहान इस फिल्म में मुंबई ड्रीम में आपने गाना गाया? जी जी जी। किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाना है, और जैसा कि नाम है मुंबई ड्रीम तो मेरा ड्रीम था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ, और बहुत अच्छा लगा फैज सर ने मेरा साथ दिया और मैं फरजान फैज के अंडर डायरेक्शन में मैंने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना है। आपसे एक लाइन रुकवाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ प्लीज़ वो गाना मैं अभी नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट। गाने की लाइन है, सिर्फ लाइन बताऊँगा अभी गाऊँगा नहीं, बाबा सुना है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निवेदिता सिंह चंदेल है और मैं MP से बिलोंग करती हूँ। इस फिल्म में किस तरह किरदार है आपका? मेरा कैरेक्टर जो है वो एक मॉडल का है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, बट थोड़ा सस्पेंस पे है जो कि आप लोग देखेंगे तो ही आप लोग को मालूम होगा। क्या सस्पेंस? एक लाइन बताने चाहिए। एक मॉडल का क्या कैरेक्टर होता है? आपके साथ ही और कैसी केमिस्ट्री सबके साथ में? ये सारी टीम के साथ बहुत अच्छा लगा वर्क करके, और मैं ऑलरेडी इनके साथ पहले भी वर्क कर चुकी हूँ, मूवी कर चुकी हूँ एक लव के फंडे, और बाकी दो मूवियाँ और हैं जो कि मैं इन लोग के साथ इस टीम के साथ ऑलरेडी कर रही हूँ, उन मूवी का नाम थोड़ा सा अभी सस्पेंस पे अगर रखेंगे तो इट्स बेटर। आपका सपना पूरा हुआ? मेरा सपना, हाँ मेरा सपना पूरा हुआ है और मैं ऑलरेडी वीडियो कॉन के साथ अभी तक टाई अप हूँ, वीडियो कॉन D2H की मैं ऑलरेडी मॉडल रह चुकी हूँ 3 ईयर्स से। क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी मूवी है और आप लोग भी पसंद करेंगे ये मूवी को, और इस मूवी की सारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है और सारे लोग बहुत हेल्पिंग है, जो कि एक दूसरे को बहुत हेल्प किए, और ये अगर आप अभी तो इससे पोस्टर रिलीज हुआ है, बाकी चीज़ें अभी धीरे धीरे आएंगी जो कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा। थैंक यू। विकास कुमार विश्वकर्मा नाम है मेरा, मैं प्रतापपुर उत्तर प्रदेश से। किस फिल्म के राइटर? जी मैं इसमें बेसिकली स्क्रीन प्ले और डायलॉग मैंने किए हुए हैं, और काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि कुछ लोग जो आते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं नहीं सक्सेस हो पाते। किस तरह की स्टोरी है इसमें पूरी? जैसे मतलब मैं एक ही लाइन में ये बोलूँगा कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि मैं बोलूँगा कि 90% माँ बाप ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन भविष्य में अपने बच्चों के भीतर उस चीज़ को देखते हैं और अपने बच्चों के माध्यम से उस चीज़ को अचीव करते हैं जो वो करना चाहते थे। थैंक यू सो मच।